हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। फाइनली फ्रेंड्स, पटवारी के 9000 पद बचना तय, 20000 से ज़्यादा दूसरे पद भरना मुश्किल। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है पत्रिका न्यूज नेटवर्क की तरफ से। 1 लाख पदों पर भर्तियों के लिए बड़ी चुनौती, पार हो सकती है डेडलाइन। यानी कि मामा जी 1 साल से चिल्ला रहे थे, हर मंच से भाषण दे रहे थे कि 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती हो जाएगी, लेकिन अब इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। देखिए पहले पत्रिका की खबर क्या आई, फिर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने जाऊंगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पत्रिका की खबर के माध्यम से, भोपाल मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियों का लक्ष्य अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। पटवारी परीक्षा परिणाम के बाद नियुक्तियाँ अटकने में करीब 9000 पद बाकी रह जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, 20000 से ज़्यादा अन्य पद डेडलाइन पार कर सकते हैं। कारण यह है कि 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए अब सिर्फ 25 दिन ही बाकी हैं। दूसरी ओर 40000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती भी बाकी है। सिर्फ 12 से 20 हज़ार पद ऐसे हैं जो इस स्थिति के दौरान भरे जाने की स्थिति में, बाकी में समय लग सकता है। इस लक्ष्य चूकने की आशंका, इसके चलते अब हर दिन सरकार को भर्ती को लेकर ताबड़तोड़ काम करना होगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती फ्रेंड्स क्या है, बाद में होंगी 50000 भर्तियाँ, जो कि 1 लाख भर्तियों के बाद मामा जी बोल चुके हैं कि इसके बाद 50000 भर्तियाँ और होंगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख पदों पर भर्तियाँ पूरी करने के बाद 50000 भर्ती और करने का ऐलान किया है, लेकिन अभी यह पूरी तरह डेडलाइन से बाहर है। इसकी प्रक्रिया बाद में शुरू होने की बात बताई जा रही है। देखिए, जानिए अब कहाँ चुनौती कितनी रहेगी। अभी 35 से 40 हज़ार पदों पर 25 दिन में नियुक्ति देना बड़ी चुनौती है। अभी 23016 पदों पर विज्ञापन कई स्टेज में है, इनकी भर्ती करना मुश्किल होगा। कुछ भर्ती हो सकती हैं, लेकिन बाकी 11000 पदों में के अभी तक विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई। अधिकतर के विज्ञापन अभी जारी होने हैं। अब पटवारी परीक्षा के बारे में आप देख सकते हैं, पटवारी भर्ती पूरी तरह से डेडलाइन पार। पटवारी परीक्षा के तहत करीब 9000 पदों की भर्ती अब पूरी तरह 15 अगस्त की डेडलाइन पार हो गई है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आने से आरोप की जांच अधिकारी 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने की बात की कही जा रही है। यानी सीधे तौर पर पटवारी परीक्षा का फैसला सितंबर में होना मुश्किल है। अब वोट बैंक का गणित बढ़ा रहा चिंता। सरकार को 3 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण युवाओं के वोट बैंक की चिंता है। ऐसे में भर्ती का पूरा गणित चुनावी है। सरकार को उम्मीद है इस भर्ती से बम्फर वोट का रास्ता खुलेगा, इसलिए फोकस टाइम पर भर्ती का है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी। अब इन्फॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हैं कि अब 24 जुलाई को प्राथमिक शिक्षक 51000 जो मांग चल रही है, अब वही एकमात्र रास्ता है जो सरकार को इस चुनौती से बचा सकता है। तो 51000 की मांग अगर पूरी सरकार करती है तो इनका जो 1 लाख का इतने दिन से बोलने का मामला है वो टल जाएगा और युवाओं को रास्ते खुल जाएंगे। मामा जी जो बोल रहे हैं वो उनका पूरा हो जाएगा। तो आप पूरी दमखम लगा करके 24 जुलाई को भोपाल पहुँच जाइए। 100% आपके पद बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। 1 लाख पदों पर भरने पर सिर्फ शिक्षक भर्ती के अलावा कहीं कुछ ऐसा आंकड़ा नहीं है कि सरकार दिखा सके कि 1 लाख पद हो गए। तो आप इस बात को इम्पोर्टेंट लीजिए, 24 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर के आइए। आपके साथ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर भैया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल आइए, सभी को भोपाल आना होगा। 100% 24 जुलाई को पद वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि पटवारी भर्ती रुक गई है और 15 अगस्त तक इनको 1 लाख का आंकड़ा देना है। तो वो सिर्फ 1 लाख का आंकड़ा प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे सकती है और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।